नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी वीडियो लेके आई हूँ, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जो रेड कलर का बटन होता है ना सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में है कि अगर बच्चे जो है ना बिस्तर के अंदर बाथरूम कर देते हैं तो उसके लिए, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है। तो ठंड के दिनों में क्या है कि बिस्तर गीले होना और फिर उनको धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई, जिसके ऊपर बीतती है ना उसे ही पता चलता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सर्दियों के दिनों में तो और भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर बच्चे बिस्तर के अंदर बाथरूम कर देते हैं ना, तो आप उन्हें क्या है कि थोड़े दिनों तक ना, कुछ दिनों के लिए छुआरे खिलाइए। छुआरे आते हैं ना, जो आप सभी जानते भी होंगे छुआरे, तो उन्हें छुआरे खिलाइए आप। चाहे उन्हें दूध के साथ दे दीजिए या ऐसे भी खाने के लिए दे दीजिए, ऐसे भी दे सकते हैं आप उनको। थोड़े दिनों तक उन्हें खिलाइए, तो इससे क्या है कि वो धीरे 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 बिस्तर के अंदर बाथरूम करना बंद कर देंगे। तो इससे क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बीच में बाथरूम होना, फिर गीले में सोना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस ये आप करके देखिए और फिर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ है, इसे आप यूज़ करके देखना। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आपके लिए ऐसी और भी बहुत सी यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी आपके, जो काम की होंगी, आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।